नमस्ते, मैं हूँ सीमा। मैं आपका स्वाद अनुसार पे स्वागत करती हूँ। जब मेरे घर में लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी ये चीज़ें बनती हैं तो बच्चे एकदम नाखुश हो जाते हैं। तब मैं उनके लिए झटपट से दही चावल बना लेती हूँ जो वो बहुत खुश होके खाते हैं। आज जब हम दही चावल बना ही रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे देती हूँ कि दही कैसे जमाते हैं। जब हम बाहर से दही लेते हैं, दही महंगा होता है, पर घर में अच्छे से दही बन जाता है। सो दही बनाने के लिए हमें फुल फैट मिल्क लेना चाहिए और उसे अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। जब दूध ठंडा हो जाता है तब हम दही का जाग लेते हैं, थोड़ा सा दही का जाग बोलो या कर्ड कल्चर बोलो, और उसे हमने थोड़ा सा ही लेना है। हमें एक चम्मच या आधी चम्मच नहीं ली, नहीं बहुत, क्वार्टर टीस्पून भी अगर कल्चर लेंगे तो उससे हमारा दही जम जाएगा। ठंडी के समय में दही थोड़ा मुश्किल से जमता है, इसलिए हमें दूध को जमा के एक कैसरोल में डाल देना चाहिए। उसे बंद करके एक वार्म जगह पे रख दें और उसके ऊपर एक टावल रख दें, उससे दही अच्छा जम जाएगा। चलो बनाते हैं कर्ड राइस या दही चावल। तो सबसे पहले हम गैस शुरू करेंगे। ये मैंने लिया है एक कप चावल, इसे भिगो के रखा है आधे घंटे के लिए, और फिर अब इसे मैं कुकर में डालूंगी। एक कप चावल में हम डालेंगे तकरीबन दो कप पानी, पर इसमें हम ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि हमको चावल एकदम मशी और पिच चाहिए, जैसे खिचड़ी के चावल होते हैं वैसे। इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक। अब कुकर बंद करेंगे और इसे दो से तीन सीटी दे देंगे। चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और ये एकदम पिच हो गए हैं, जैसे हम खिचड़ी के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ढाई से तीन कप दही। दही जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढाई से तीन कप दही काफी है एक कप चावल के लिए, पर अगर आपको कम दही डालना है तो आप कम भी डाल सकते हो। आप देख सकते हैं कि हमारा दही और चावल अच्छे से मिक्स हो गया है। चावल के लिए हमने डाला है एक चम्मच नमक, पर अभी दही भी डाला है तो उसके लिए हल्का सा नमक और डाल देंगे, अबाउट हाफ अ टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसका तड़का भी तैयार करेंगे। ये तो मैंने झटपट दही चावल बनाया है, पर सही तरीका ये है कि लोग चावल उबाल के रात को और दूध में डाल देते हैं और उसी में हम डाल देते हैं दही का जामन और अच्छे से सेट हो जाता है सुबह उसे तड़का देके, और फिर ट्रैवल के लिए वो ख़राब भी नहीं होता है। तड़के की तैयारी करते हैं। इसमें डालेंगे घी, तेल भी डाल सकते हैं। जब तक घी गर्म हो रहा है हम थोड़ा कड़ी पत्ता ले लेते हैं और इसे बारीक काट लेते हैं। वैसे तो सब कड़ी पत्ता ऐसे ही डाल देते हैं और जो भी खाता है वो पत्ता बाहर निकाल के रख देता है, तो इसलिए मैं कड़ी पत्ता काट के डालती हूँ ताकि किसी को पता नहीं चले और सब खा लें। वो समझेंगे कि कोथमीर है, उसी हिसाब से वो खा लेंगे। कड़ी पत्ता की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। घी गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग। हींग इसमें डलती नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। इसके बाद इसमें डालेंगे राई एक चम्मच, इसके बाद इसमें जाएंगी दो दालें, एक चम्मच उड़द की दाल, एक चम्मच चने की दाल। इसके बाद हम डालेंगे
बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च थोड़ी सी, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च, जब दही चावल बना रहे हो तो इतना ज़रूर ध्यान रखना कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। तड़का हमारा एकदम तैयार है, हम इस पे डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिर में हम डालेंगे धनिया पत्ता। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रही हमारी दही चावल की रेसिपी तैयार। अगर आपका दही बाय चांस खट्टा हो तो आप यूज़ कर लो, पर उसके साथ आप एक चम्मच चीनी डाल दो तो उससे क्या है, बैलेंस हो जाएगा, खटास इतनी नहीं रहेगी। दही चावल एक ऐसी रेसिपी है जो आदमी खुश हो के भी खा लेता है, अच्छे टाइम पे भी खा लेता है, और बीमार होता है तो भी बहुत अच्छे से खा लेता है। आप दही चावल ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही पौष्टिक है। और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।